बड़ी एक अच्छी खबर है हरियाणा के युवाओं के लिए जिन्होंने अभी 10वीं पास करी है या फिर 12वीं पास करी है या फिर ग्रेजुएशन में जो आप हैं, तो उसमें स्कॉलरशिप का एक प्रावधान है हरियाणा में। यहाँ पे एक स्कीम है जो कि जो हरियाणा सरकार उसके द्वारा चलाई जा रही है, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना। तो इसमें क्या है कि इसमें छात्रवृत्ति जो दी जाती है 8,000 रुपये से लेकर जो है 12,000 रुपये तक की, इसमें यहाँ पर आपको जो छात्रवृत्ति है वो स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी वाइज दिखा देता हूँ कि जो है कितनी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है और कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, वो अपडेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांचाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रैगो स्टडी। तो चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान को दबा देना। तो पहले बात कर लेते हैं जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है, और जो डेट है वो भी आपको बता देता हूँ। जो डेट है फॉर्म वो शुरू हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो इसकी 10 मार्च है, ठीक है, 10 मार्च 2022। अब यहाँ पे बात करें जो SC कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कितनी स्कॉलरशिप है, यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए जो मैट्रिक है तो उसमें 10वीं पास कैंडिडेट जो है अगर वो शहरी इलाकों में रहते हैं तो 70% मार्क्स होने चाहिए 10वीं में और 60% मार्क्स होने चाहिए गांव वाले जो कैंडिडेट है ग्रामीण है, तो मिलेंगे कब, जब वो 11वीं या फिर किसी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में जो है पहले साल में होंगे तभी उनको 8,000 रुपये इसमें मिलेंगे। 12वीं जिन्होंने पास करी है SC कैंडिडेट्स या फिर ये जातियाँ, देखिए यहाँ पे विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु, टपरीवास, ये कैंडिडेट इनकी बात है, ये 70% अगर 12वीं कक्षा में आए हैं शहरी इलाकों वालों के लिए तो उनको मिलेंगे, वो भी बता देता हूँ कितने, 70% मार्क्स ग्रामीण वालों के हैं तो मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे वो बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो ग्रेजुएशन है उसमें पहले साल में जब आप हैं तो अगर आपने 8 से लिया है तो 8,000 रुपये मिलेंगे। कॉमर्स और साइंस या फिर सभी डिप्लोमा सर्टिफिकेट का जो पहला कोर्स है, जो पहला साल है उस कोर्स का, उसमें 8,000 रुपये मिलेंगे। इंजीनियरिंग आप कर रहे हैं या कोई और टेक्निकल कोर्स आप कर रहे हैं तो 9,000 रुपये मिलेंगे। मेडिकल या अनलाइड या अलाइड जो कोर्सेज हैं उसमें आपको 10,000 रुपये मिलेंगे पहले साल में अगर आप वहाँ पे कोर्स में जब हैं, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन की बात करें SC वालों के तो 65% अगर मार्क्स आपके हैं, आप शहरी हैं तो मिलेंगे आपको पैसे, 60% है आप ग्रामीण हैं तो आपको मिलेंगे पैसे। कितने मिलेंगे अब ये बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप कर रहे हैं तो उसका जो पहला साल है उसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस अगर आपके पास है तो 9,000 रुपये मिलेंगे आपको। 11,000 मिलेंगे अगर आपके पास इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल व्यवसायिक कोई भी कोर्स है तो। मेडिकल या अलाइड कोर्स है तो आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। ये तो बात हुई इनकी। अब बात कर लेते हैं जो BCA कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो इसमें देखिए इनको मिलते हैं सिर्फ मैट्रिक में, यानी 10वीं पास अगर आपने किया है और अभी आप 11वीं या फिर जो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं उसके पहले साल में हैं तो ही आपको 8,000 रुपये मिलेंगे। 70% मार्क्स हैं आपके और शहरी हैं आप तो मिलेंगे, 60% मिलेंगे, 60% मार्क्स अगर आपके हैं और आप ग्रामीण हैं तो आपको 8,000 रुपये मिलेंगे, इनको यही मिलते हैं। और जो BCB कैटेगरी के हैं उनके लिए कुछ अलग कंडीशंस हैं, तो उन्होंने 10वीं क्लास में अगर मार्क्स लिए हैं 80% और वो शहरी हैं तो उनको 8,000 रुपये मिलेंगे। 75% मार्क्स आपके हैं और आप ग्रामीण हैं, गाँव में रहते हैं तो आपको जो 8,000 रुपये मिलेंगे जब आप 11वीं या फिर आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट का कोर्स है उसके पहले साल में होंगे तो ये पैसे मिलते हैं। इसके अलावा और जो कैंडिडेट्स बच जाते हैं जितने भी हैं, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में भी हैं लेकिन उनके मार्क्स अच्छे हैं, तो उनको जो BCB कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन थी, जो यहाँ पे क्राइटेरिया था, यानी यही सेम क्राइटेरिया ये जो अभी मैंने बताया है ये वाला, तो इनके बराबर ही इनको भी जो मार्क्स जो पैसे हैं वो मिलते हैं स्कॉलरशिप के, ठीक है। अब बात करें इसमें यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि जो 4,00,000 रुपये तक की आपकी आमदनी होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर आपकी आमदनी है परिवार की एक साल की तो आपको ये जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी। बाकी कंडीशन सब कुछ इसमें वही हैं जो पहले होती रही हैं। तो आपका एक तो इसमें ध्यान रखिएगा PNB का जो अकाउंट है वो होना चाहिए, क्योंकि इसमें यही मांगते हैं जो PNB बैंक है, ठीक है, उसका अकाउंट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आपके आधार कार्ड वगैरह, आपकी फैमिली आईडी, सारी चीज़ें भी वहाँ पे अटैच होंगी, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। फार्म आपने भरना है अपना, तो डेट मैंने आपको बता ही दी है, 10 मार्च जो है इसकी लास्ट डेट है, 10 मार्च। पहले ऑफलाइन फार्म होते थे, अब इनको ऑनलाइन कर दिया गया है, तो ऑनलाइन अपना ये फार्म भर लेना, ठीक है। तो ये अपडेट आपके साथ एक शेयर करनी थी। अपडेट आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लेना।